सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सबसे पहली बात यार, कोई भी ऑफिशियल अपडेट पर ये जो वीडियो नहीं रहने वाली है। इस वीडियो में हम एजुकेशन मिनिस्ट्री और अपने नीट 2021 के एग्जामिनेशंस के रिलेटेड में डिस्कशन करने वाले हैं, तो ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं 2020 की ओर। तो 2020 में भी इनका यही रवैया रहा था, इन्होंने प्रॉपर नहीं बताया था, अगस्त तक बच्चों को नहीं पता था कि हमारा एग्जामिनेशंस कब होने वाला है। लेकिन उसके बाद अचानक से इनकी तरफ से कोई अपडेट आता है और बोलते हैं कि आपका एग्जामिनेशन इस डेट को है, तो इस डेट तक आप प्रिपेयर रहिए आपके एग्जामिनेशंस तक। सबसे पहले ये बोलते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इनकी ट्वीट में भी यही बात बोली जाती है कि स्टे होम स्टे सेफ। उसके बाद जब कोरोना पीक पर था, उस टाइम इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आप एग्जाम देने जाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इनके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को तो वैसे ही मतलब स्ट्रेस था एग्जामिनेशन का, कुछ कोरोना की वजह से अपने एग्जामिनेशन में उतना 100% अपना नहीं दे पाए। ठीक है, एग्जामिनेशन के टाइम माइंड में क्या चल रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा ये मैटर करता है। अगर अपना माइंड शांत है तो अपना एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से जाता है। ठीक है, 2020 बीत चुका है, अब आते हैं 2020 की ओर, 21 की ओर। तो 2021 की अगर बात की जाए तो अभी भी इनका यही बात है। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि दिसंबर में अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो दिसंबर स्टार्टिंग, दिसंबर मिड या फिर दिसंबर एंड तक जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म तो क्या, इनकी तरफ से एक छोटा सा नोटिस भी तक नहीं आया है अभी तक। फरवरी शुरू हो गया है और अभी तक इनकी तरफ से कोई छोटा नोटिस तक नहीं आया है। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट आता है कि मंडे को एजुकेशन मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स और हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स के बीच एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि आपका नीट 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो साल में एक बार कंडक्ट होगा या फिर साल में दो बार कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपका नीट 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा या फिर ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, सिलेबस में रिडक्शन होगा या फिर नहीं होगा, इन सब बातों पर एक फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। इनका कहना है कि मीटिंग में हम कोई कुछ भी डिसाइड जो है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, आगे की जो हमारी मीटिंग है वो नेक्स्ट मंडे को होगी। लेकिन नेक्स्ट मंडे को कोई भी किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं हुई और ना ही कोई अपडेट आया। ठीक है, इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट आता है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने, हेल्थ मिनिस्ट्री के जो हेड हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि हम नीट 2021 को दो बार करवाने को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं है, नीट 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो साल में एक बार ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये आया हेल्थ मिनिस्ट्री का अपडेट। उसके बाद कल फिर से एक इंटरव्यू में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक, उनका कहना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से विचार विमर्श चल रहा है, आपका नीट 2021 का एग्जामिनेशन साल में दो बार हो सकता है, जैसे कि जेई 2021 का एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है, उस प्रकार से आपका नीट 2021 का भी एग्जामिनेशन करवाया जा सकेगा। इसके अलावा नीट 2021 की जो डेट्स है वो अभी तक फिक्स नहीं हुई है, जल्द ही आपकी डेट्स भी फिक्स कर दी जाएगी। अब ये जल्द कब आएगा यार, दिसंबर में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। मान लिया कोरोना की वजह से एग्जाम लेट हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, कम से कम जनवरी एंड तक तो आपने एग्जामिनेशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होने चाहिए थे ना। इसके अलावा अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ IBPS का। आपने सुना होगा IBPS के बारे में, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इनका पूरा नाम है। ये एक संस्था है जो कि बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जामिनेशन है ना वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। और बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए, RRB क्लर्क, RRB PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, इस प्रकार से 4 से 5 एग्जामिनेशन साल भर में होते हैं। और ये अपना पूरा का पूरा कैलेंडर स्टार्टिंग में ही रिलीज कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि आपका प्रीलियम्स अब होगा, मेंस एग्जामिनेशन अब होगा, इंटरव्यू अब होगे, आपके सिलेक्शन अब करवाए जाएंगे, आपको इतनी डेट तक आपका जो कॉल लेटर है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये सब डिटेल्स ये पहले ही जो है वो रिलीज कर देते हैं। जब यार देश का IBPS जो कि एक बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशंस करवाता है, इतने सब एग्जामिनेशंस को मैनेज करके अपना कैलेंडर पहले ही रिलीज कर सकते हैं, तो आप तो देश का इतना बड़ा एग्जामिनेशंस करवा रहे हैं, आपके पास दुनिया के टॉप एजुकेटर्स की एक संस्था है, आपके पास दुनिया के टॉप मैनेजमेंट्स की एक संस्था है, बिकॉज आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो आप नीट जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, उसको प्रॉपरली क्यों नहीं करवा सकते? क्यों स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूजन में है इसके एग्जामिनेशन डेट को लेकर, इसकी एप्लीकेशन डेट्स को लेकर?
हम ये जानना चाहते हैं। स्टूडेंट्स बार बार ट्विटर पर एक ही ट्वीट किए जा रहे हैं, इनकी जितनी भी ट्वीट्स आती हैं उनके नीचे आप जाके देखिए, एक ही उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है, नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, नीट 2021 एग्जाम डेट। लेकिन इनकी तरफ से क्या आता है, कविता जो हम रोजाना सुनते हैं। और अक्सर इन्होंने जो एक सीरियस मैटर होता है एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट, उसमें भी ये कविता सुनाकर चले जाते हैं और हम आसानी से कविता सुन लेते हैं, बिकॉज हमारे पास तो काम ही ये है यार, हम तो कविता सुनने को ही बैठे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि हम एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आ रहे हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे लाइव है, बच्चे डेढ़ डेढ़ घंटे उनको लाइव देख रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट हो नीट 21 या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन की डेट आए और कब हमें संतुष्टि मिले, हम उस संतुष्टि की बदौलत अपने एग्जामिनेशंस, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आसानी से कर पाए। लेकिन इनकी तरफ से उस डेढ़ घंटे में सिर्फ और सिर्फ कविता ही सुनाई जाती है। तो ये तो है यार अपने एजुकेशन मिनिस्टर जी का हाल। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल यार इसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का अपडेट अभी तक नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आता है आपको भी पता चल जाएगा और चैनल पर भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा, बाकी अपने ओपिनियंस एंड थॉट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आई नो गाइस कि मैं ज़्यादा नहीं बोला हूँ, मैंने जो भी बोला है स्पष्ट बोला है, करेक्ट बोला है, जो सच्चाई है वो बोली है। ठीक है गाइस, अगर आपको भी लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।